ये है रसमलाई केक। हेलो गाइस, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब लोग? मजे में हैं? आप लोग सोच रहे होंगे कि दो दिन से हमने व्लॉग क्यों नहीं डाला। तो दो दिन से हमने व्लॉग इसलिए नहीं डाला कि हम थोड़े से बिज़ी थे, और बिज़ी होने की वजह से टाइम नहीं मिल पाया। तो उसके लिए हम आपसे माफ़ी चाहेंगे। बट गाइस, आज आपके पास हम आए हैं क्योंकि आज दामिया का बर्थडे है और उसके लिए हमें शॉपिंग करनी है। अभी हम जस्ट ऑफिस से जल्दी निकल गए हैं। सुमन अभी कुछ ATM से पैसे विड्रॉ करने गई है, तो उसके बाद सीधा जाएंगे दामिया के लिए कुछ ड्रेस परचेज करेंगे। देन उसके बाद उसका कुछ थोड़ा डेकोरेशन का सामान लेके आएंगे और कुछ खाने पीने के लिए तैयारी करेंगे, क्योंकि वो अपने फ्रेंड्स के साथ, हमने उसको ऑफर किया था कि कोई बाहर लेके चलें, बाहर ही पार्टी कर लेते हैं, फ्रेंड्स को लेके चलते हैं साथ में। बट उसने मना कर दिया। उसने साफ बोला कि मुझे घर पे ही पार्टी करनी है, घर पे ही सेलिब्रेट करना है, क्योंकि बाहर अब कोविड का टाइम है और बाहर वो बिल्कुल ही जाना पसंद नहीं करेगी। तो केक वेक लेते हैं उसके लिए और चलते हैं घर पे और देखते हैं वो क्या धमाल कर रही है घर पे, और डेकोरेशन का सामान और खाने का सामान लेके चलते हैं फटाफट। सो हियर इज धर्म ढोल, एवरीबॉडी इज वेटिंग फॉर द धर्म। ये आ गई वान्या जी, ये रितु जी। हेलो, कल के व्लॉग में ये छाने वाले हैं जो हमने दो दिन से डाला नहीं है। हम करते हैं केक की अनबॉक्सिंग। तो ये है आज दामिया ढोल का बर्थडे का केक, और ये कुछ लोग बीच में हाथ मार रहे हैं, इनको पीछे किया जाए। और आज केक की अनबॉक्सिंग करके दिखाएंगे। लोगों ने बड़ी अनबॉक्सिंग की है आज, बहुत सारी वीडियो आपने देखी होंगे अनबॉक्सिंग की, बट केक की अनबॉक्सिंग कभी नहीं देखी होगी। तो आज हम केक की अनबॉक्सिंग करके दिखाएंगे आपको। केयरफुली आपको पहले ये जो टेप है वो सीजर से काटना है। उसके बाद ये कैंडल्स जो होती हैं ये रखनी है। चार तरह की कैंडल्स है, चार तरह की। एक नाइफ भी आता है साथ में, पराठे खा के आए, जिसको आपको बड़े केयरफुल करना है, क्योंकि नाइफ तो किसी को नहीं काट सकता, नाइफ खुद कट जाएगा। तो गाइस, अभी हमने दो टेप काट दी है। वंडरफुल, ये दामिया देखिए कैसे रेड कलर में चक चक कर रही है। तो गाइस, आपने देखा होगा आज केक की अनबॉक्सिंग की हमने, तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा तो आप अपने कमेंट्स में शेयर जरूर करिए। तो ये है दामिया ढोल का केक, आप लोग देख सकते हैं कितना ब्यूटीफुल केक है। खाने में तो खाने के बाद ही बताएंगे ना कैसा है। ना कैसा लगा केक आपको? अच्छा है। तो देखिए, ये शर्मीली लड़की है, ये शर्मीली लड़की केक को देख के शर्मा रही है। चलो गाइस, लेट्स स्टार्ट द केक कटिंग है। केक कटिंग, ओ चेरी, चलो क्लैपिंग बस। ये आपको डराने के लिए था। ये प्रैंक हो गया, प्रैंक चाची, प्रैंक हो गया ये। चलो भाई, अब कैंडल। हैप्पी बर्थडे, चलो। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। भूल गए सारे, भूल गए, भूल गए, भूल गए सारे। चलो फिर से केक कटिंग कर रही है, फिर से करो। दामू बस,
आशीर्वाद मिला और कुछ नहीं? दादा ने आशीर्वाद दिया था हमको, है ये दादा की पॉकेट से निकलते हुए पैसे बाहर, और ये ना 200 रुपीस बस दादा कंजूसी करके ना 500 का ऊपर रख के कितने दिए? क्या बात है दादी, कितने पैसे दिए? 1000 क्या 11 से देगी दादी? दादा 200 में काम चला गए ये। चलो गाइस, ये देखिए ये है दाम्या और इसका आज है बर्थडे और इसकी दो फ्रेंड आई है, दोनों शर्मा रही है, ये अकेले हंसती जा रही है। हर्षिता नहीं लग रहा है दाम्या से ज्यादा, चल खिला ही देते हैं ना, खिला दे देखिए इन बच्चों को शर्म नहीं आ रही, इतने बड़े बंदे इनके पास बैठे हैं। तो गाइस ये देखिए पार्टी ओवर हो चुकी है और ये सब लोग जा रहे हैं, इनको हम सी ऑफ करने के लिए आए हैं। इधर धर्म ये देखिए, बाय गाइस, टेक केयर, बाय बाय। सो गाइस देखिए इन लड़कियों को, ये अपने गिफ्ट्स को लेके बड़ी एक्साइटेड है और ये अपने गिफ्ट्स को अनबॉक्स कर रही हैं अभी। सबसे ज्यादा इसको पेन मिले हैं इस बार। तो देखिए इनको कितने सारे गिफ्ट्स मिले हैं और आज ये दाम्या आपको अपने सारे गिफ्ट्स दिखाएगी, क्या क्या गिफ्ट इसको आज बर्थडे पे मिले हैं। सो गाइस ये है मेरा गिफ्ट नंबर 1 एंड इसमें है हाइलाइटर, मार्कर, पेन है एंड क्लच पेंसिल की रेड, एंड ये भी एक मार्कर है, पेन है। सो ये था नंबर 2 लेते हैं। सो ये बहुत ही प्यारा सा है, ये जिसपे रोज बने हुए हैं, फ्लावर बने हुए हैं। ये हमारा फ्लेयर का पेन एंड ये ऐसे है। सो ये देखिए अब हम नेक्स्ट लाते हैं, ये है मेरा A7 का पेन, देख ये ऐसे ऐसे वाला है पायलट का। नेक्स्ट सो ये हमें फ्लेयर की किट मिली है, इसमें बहुत कुछ है, स्केल है, इरेजर है, पेन है एंड ये है बहुत कुछ है इसमें। सो इसको साइड में रखते हैं एंड अब हमारा नेक्स्ट गिफ्ट है ये इल्यूजन साइंस गिफ्ट, बहुत ही अच्छी गेम है ये। गाइस हमने देखा है ये मूंगफली खा रहे हैं, मूंगफली खाइए, मूंगफली मूंगफली ऑन बेड। तुम्हें कैसी लग रही है तुझे मूंगफलियां? मुझे बहुत टेस्टी लग रही है गाइस, देखिए खाना ही नहीं मिलता मूंगफलियां खाने का ना। गाइस खाना खाने के बाद ये देखिए मूंगफली एंजॉय की जा रही है, आज दामे का बर्थडे था, हमने पहले मैं डेली सोचती रहती हूँ मूंगफली खानी है पर मैं खा ही नहीं पाती हूँ। तो हमने दामा के बर्थडे में खूब खाया, दबा के हम मूंगफलियां खा रहे हैं, तो हमारा पेट आज फुल भर चुका है, दबा के नहीं खाया मूंगफली के चक्कर में। तो मैंने तो बहुत एंजॉय किया आज, हमने चाउमीन खाई मस्त, हमने कचौरी खाई, हमने केक खाया, आज खूब एंजॉय किया। दामा ने बच्चों के साथ डांस किया, तो कैसा लगा दामा आज? अच्छा
बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। पापा को थैंक यू नहीं बोला आपने? पापा ने क्या गिफ्ट किया आपको? ड्रेस। पापा ने लेवाइस की जैकेट दी। और मम्मा ने क्या गिफ्ट किया? ड्रेस, केक, खाने पीने का सामान। दायरा ने क्या गिफ्ट किया? कार्ड। कार्ड दायरा ने बड़ा ब्यूटीफुल सा कार्ड बनाया अपनी सिस्टर के लिए। दामू ने, दुग्गु ने चॉकलेट दिया, वो नीचे रख दिया। कार्ड भी बनाया बबली, वो हमने छुपा रखी है, वो हम कल खोलेंगे। यस, वो तो हम खाएंगे गाइस, बड़ा मजा आएगा इसकी। बबली तो हम उड़ा देंगे। तो भाई देख लो रे, नरी मूंगफली रगड़ गई है मेरी। मूंगफली बेड पे बैठ के कौन खाता है? बिस्तर में बैठ पे खाओ चाहे जहाँ मर्जी बैठ के खाओ, क्या फर्क पड़ता है? साफ तो मुझे ही करना है। अच्छा, किसी और को नहीं साफ करना? कोई नहीं करता। साफ तो मुझे करना है। मूंगफली आपको ज्यादा पसंद है? ज्यादा नहीं है, बस एक दो बार तो खा ही सकते हैं सीजन में। तो रात को जो पेट दुखेगा तो सर्दी में उठ के कौन जाएगा वॉशरूम में? मूंगफली से पेट नहीं दुखता। अच्छा, देखते हैं। मैंने मूंगफली के लिए जगह बचा दी थी पेट में ना, मुझे नहीं लगता ऐसे करते। सो गाइज, आज था दाम्या का बर्थडे और बच्चा पार्टी ने पूरा धमाल मचाया हुआ है। नीचे पार्टी इन्होंने की, खाया पिया, डांस किया इन्होंने, मस्त खूब इन्जॉय किया है। आप लोगों ने भी देखा कि काफ़ी इन्होंने धमाल किया हुआ है। तो गाइज, दो दिन से हमारे व्लॉग्स नहीं आए थे, जैसे कि मैंने पहले भी मेंशन किया कि हम लोग कहीं ऐसे क्रिटिकल काम में फंसे हुए थे कि हम व्लॉगिंग का टाइम नहीं मिला। आई होप यू, आप लोगों ने माइंड नहीं किया हुआ इस चीज़ को। तो गाइज, अभी हम कोशिश करेंगे कि रेगुलर व्लॉग्स लेके आए, आप लोगों से जुड़े रहें और ऐसे ही आपका प्यार बना रहे। तो गाइज, प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को काफ़ी शेयर करिए, लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के फैमिली के साथ बैठ के देखिए, एंजॉय करिए कैसे बच्चा पार्टी, दाम्या, दायरा सब काफ़ी मेहनत कर रहे हैं इसके लिए। तो गाइज, आज के लिए अलविदा कहेंगे। हमारे साथ ऐसे ही बने रहे, आपका प्यार ऐसे ही बना रहे। तो आप लोगों की ऐसी सपोर्ट रहेगी तो हम अच्छी अच्छी वीडियोज़ आपके लिए लेके आएंगे। तब तक अपना ध्यान रखिए, मस्त रहिए, खाइए पिए, मौज करिए और कोरोना से थोड़ा सा बच के रहिए। बस अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए और मज़े में रहिए। कोरोना वरोना ठीक है, हमें प्रिकॉशंस लेने हैं, बट इसके डर के मारे, दहशत के मारे ये भी नहीं है कि ज़िंदगी जीना छोड़ दें। अपने फैमिली के साथ फुल इंजॉय करिए और मस्त रहिए। टेक केयर, बाय बाय। ये देखिए गाइस, ये पागल। मैं क्या बोलूं, मुझे ब्लॉग में ले लो, मैं क्या बोलूं।